के बाद आप देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं दंजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सके, बट वहीं पर स्नैक को डाउन किया जाएगा और दंजीत एक अच्छा ट्रेड लेगा क्रॉन्टन का और सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे। और दंजीत धीरे धीरे आगे मूव करे, बैकपैक अपना रिमूव कर चुके, लेवल 3 वेस्ट इनका जो प्रॉपरली फाइन है, लेकिन जो हेलमेट है वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डैमेज किया जा चुका है। आतंकी भी हल्का सा आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सांग वन इज ऑन टू द बैक साइड और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके। उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट एंड यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनटी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है एंड वही होते हुए डार्क ने पे आतंकी को पिकऑफ किया। स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड एंड डार्क ने पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेट यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v2v1 यहाँ पे obviously INDS an advantage, but I think ये advantage को ज़्यादा तक रख नहीं पाएंगे because they will eventually won't be able to go for the revive, but look at that molotov, क्या शानदार molotov वहाँ पे दलजीत के तरफ से सांगवान को spot करते हुए and सांगवान काफी damage, I think he'll go for the heal because smoke का cover है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से suppress कर रहे अपने opponents को और वो चीज करते हुए वो काफी ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक HP पर बचे, is literally surviving on one pixel right now. One mistake and yes, he'll be taken down. दलजीत के बाद यहाँ पर तीसरा finish आता है और अब ये आ चुके हैं क्रॉन्टन की टीम से फाइट करने के लिए। राइज के सामने की तरफ से नीचे का बिल्कुल डाउन किया जा चुका है। दलजीत well. नोवा किंग और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहे हैं, क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो 15 पॉइंट्स है वो 15 पॉइंट्स नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या? क्या वो यहाँ पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं या फिर INDS काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे? देयर इट इज द फर्स्ट एवर विनर विद अ चिकन डिनर कमिंग अप फॉर टीम स्नैक्स। ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोलूंगा मैं, मतलब टीम INDS इस गेम के जो कंट्रोल में थे गिवन द फैक्ट कि उनके अगेंस्ट था फ्लाइट पाथ, अगर मैं सर्कल की बात करूं वो भी उनके कोई फेवर में नहीं था, दे हैड टू ड्रॉप डाउन, गाड़ी लेना था, मिलिट्री बेस जाके लूट के वापस आके सर्कल के एंड तक पहुंचना, फाइटिंग इट आउट लाइक ब्रेव हर्ट्स, एकदम ओपन में फाइट ले रहे थे, प्रॉपर कवर फायर, प्रॉपर कवर्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन में रहकर डिफेंसिव अग्रेशन दिखाना, आई थिंक दे जस्ट लेड इट, ऑल पॉइंट्स उनके कवर्ड थे एंड दैट इज वाई वी हैड टीम स्नैक्स 4 मैन के साथ लास्ट में चिकन डिनर निकालते हुए आउटस्टैंडिंग जॉब, मतलब मजा आ गया।